हेलो दोस्तों, क्या है कि हम पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो अगर हम फ़ोन पर बात करते हैं तो हमसे पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी होते हैं वो मना करते हैं कि आप यहाँ पर फ़ोन का यूज ना करें, मतलब कि मोबाइल का यूज ना करें। लेकिन क्या कारण है कि वो ऐसा इनकार करते हैं कि आप यहाँ पर मोबाइल का यूज नहीं कर सकते। तो वैसे पेट्रोल को हम एक बीकर में लेंगे, ठीक है, बीकर में लेने के बाद लाइटर से उसमें फायर का प्रेशर देंगे, मतलब कि लाइटर से पुश करके देखेंगे कि आखिर पेट्रोल में आग लगती है चिंगारी से या नहीं लगती। इस वीडियो में यही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले इस लकड़ी पर मैंने पेट्रोल को लगाया और आग लगा कर दिखाई, मतलब कि ये पेट्रोल ही है, ठीक है। ये रहा सेकंड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में अपन एक माचिस के बॉक्स को ले लेती हैं, ठीक है। माचिस के बॉक्स में किसी एक बॉक्स को चुनकर उसकी कुछ माचिस की तीलियों को चुनेंगे, एल्युमिनियम फॉइल ले लेते हैं, एल्युमिनियम फॉइल के अंदर माचिस की तीलियों को बंद कर देंगे, ठीक है। कुछ ऐसे राउंड राउंड करके इसको बंद कर देंगे। बहरहाल हमारे दो चैनल हैं, एक सुपर ए टू जेट है और एक ये आप देख रहे हैं ये डिफरेंट ए टू जेट है। इस पर हम एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करके बताते हैं, मतलब ये आपके समक्ष प्रैक्टिकल करके ही बताते हैं। लेकिन जो दूसरा चैनल है उस पर हम जो प्रैक्टिकल हो गए हैं ना उसके आधार पर अपने वचन सुनाते हैं, मतलब कि उसको बताते हैं कि फैक्ट ऐसे भी हो रहे हैं दुनिया में और इस प्रकार से ऐसा करने से कुछ ऐसा हो जाता है। अगर आपने अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा सुपर ए टू जेड, यहाँ पर ये देखिए। एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इस वीडियो में अपन एक पानी का बीकर लेते हैं, उसमें पानी भरा हुआ, ठीक है। लाइटर से मोमबत्ती को मैंने जलाया, अगर H2O के ऊपर मोम को गिराते हैं तो कुछ इस प्रकार का लेयर बन जाता है वाटर के ऊपर, जो अपन वीडियो के अंत में जरूर देखेंगे कि कैसा लेयर बनता है, ठीक है। अब मोमबत्ती पिघलने को बेताब है और पिघलता जा रहा है, ये फास्ट 4G स्पीड में पिघल रहा है। सो फ्रेंड्स, पानी के अंदर ये हो गई है लेयर तैयार। अब लेयर को उठाते हैं ऊपर की ओर, ठीक है, देखते हैं कौन से कंट्री का नक्शा बन गया। और ये तो अपने जम्मू कश्मीर का नक्शा बन चुका है भाइयों, जम्मू कश्मीर का चित्र, वाओ इंटरेस्टिंग। फ्रेंड्स, ये है सैनिटाइजर और अभी की जनरेशन इसे कभी नहीं भूलेगी भविष्य में। सैनिटाइजर की सियनता बहुत कम होती है इसलिए ये इतने प्रेशर से निकलती है, और वहीं अगर जल की बात करें तो इसकी भी सियनता बहुत कम होती है इसलिए ये भी प्रेशर से ही निकलता है। अगर क्या हो कि हम इसकी जगह पर ग्लिसरीन को यूज करें जिसकी सियनता बहुत अधिक होती है, गाढ़ापन बहुत अधिक होता है, तो कैसा प्रेशर देगा ये देखते हैं अभी करके वीडियो में। अधिक सेंता गुणांक की वजह से ऐसा होता है कि ये इतना कम प्रेशर देता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही फैक्ट देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।